हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट की एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मेरी तो ये बहुत ही फेवरेट वाली रेसिपी है और उसी के साथ ज्वारी की भाकरी बनाएंगे, जो आप आसानी से जैसे आप रोटी बेलते हैं ना वैसे ही बेल पाओगे और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएगी। तो ज्वारी का आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी भर के पानी को गर्म करने के लिए रखा है। तो जैसे ही पानी गर्म हो जाए ना, तो उसमें आधा चम्मच जितना नमक ऐड कीजिए और एक चम्मच के करीबन मैं यहाँ पे तेल को ऐड कर रही हूँ। फिर जैसे ही पानी में उबाल आने लगे, इसमें जिस कटोरी से हमने पानी लिया था ना, उसी कटोरी से एक कटोरी भर के मैं ज्वारी का आटा यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ बंद कर दिया है और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। जैसे ये मिक्स हो जाए ना, तो इसे ढक कर साइड में रख दीजिएगा। और यहाँ पे मेथी की सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पर बारीक वाली जो मेथी आती है ना, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। खाने में ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। इसे अच्छे से साफ करना होता है, तो इसकी ये जो नीचे की टिप्स होती है ना, उसे मैं निकाल रही हूँ। बाद में इसे मैंने अच्छे से 4-5 बार पानी से धो लिया है। बाद में फिर इसे बारीक चॉप कर लीजिए। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसे मैं एकदम बारीक नहीं, थोड़ा सा मोटा ही चॉप कर रही हूँ। तीखे के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 हरी मिर्च। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो आप और भी एक्स्ट्रा ले सकते हो। अब सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में 2 चम्मच जितना तेल ऐड करके, जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड करके अच्छे से इसे स्टर कर लीजिए। लगभग 2 मिनट बाद इसमें मेथी को ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। नमक से ना मेथी में पानी छूटने लगेगा, तो हमें इसे बिना ढके पका लेना है जब तक ये पानी जो है वो सारा सूख ना जाए। फिर इसमें लास्ट में किसा हुआ नारियल ऐड कर रही हूँ। नारियल से बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है मेथी की सब्जी में। तो इसे एक बार ना ऐसे बनाकर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर हमारी मेथी की सब्जी तो बन चुकी है। यहाँ पर ज्वारी का आटा भी हल्का सा ठंडा हो चुका है, तो इसे अच्छे से मसल मसल के इसे सॉफ्ट कर लीजिएगा, ताकि जब आप रोटी बेलेंगे ना, तो ये किनारों पर से बिल्कुल भी नहीं फटेगी और रोटी भी बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएगी। इसकी लोई बना लेनी है और जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसे बेल लेना है। आप देख सकते हो जो रोटी मैंने बेली है उसमें किनारों पर कहीं पे भी क्रैक्स नहीं पड़े हैं। इसे मैंने ज्यादा मोटा नहीं रखा है, एकदम पतला ही मैंने इसे बेल लिया है। जैसे रोटियां फूलती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये फूल कर तैयार हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट ही रहती है, तो आप ना एक बार ऐसे बिल्कुल बना के देखिएगा। और मेथी की सब्जी के साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के लिए एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।